इंडियन माओइस्ट, आईएसआईएस और बोको हरम के बाद दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। कॉमरेड्स, पत्थर का रेड एक्शन दिल्ली को हिला के रख दिया है। 76 कुत्ते मारे हमने। भगवान अपनी सबसे कठिन लड़ाई अपने सबसे शक्तिशाली सिपाहियों को देता है। मैडम निज्जर, आवर 76 बॉयज गॉट बुचर्ड। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? आप। व्हाट? ऑनरेबल होम मिनिस्टर। 76 सीआरपीएफ जवान्स शुड गेट 76 क्रोर्स। पाकिस्तान के साथ हुए 4 युद्धों में हमारे 8,738 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर नक्सलियों ने 15,000 से ज्यादा जवानों की हत्या की है। भारत सरकार का तिरंगा फहराने का साहस कैसे हुआ? दिल्ली के लाल किला पर लाल झंडा फहराने के लिए, भारत देश पर माओइस्ट गवर्नमेंट बनाने के लिए। खून के नदियां तो बहेंगी। एक नया इंटरनेशनल फोरम बन रहा है। इंडिया की नई ताकत को रोकना जरूरी है, और इंडिया के खिलाफ हमसे इफेक्टिव पार्टनर और कौन होगा? Everything comes with a cost. 600 करोड़। मैंने अपना पति के साथ साथ अपना बेटा भी खोया है। हर घर से एक बच्चा उनको देना पड़ेगा, ऐसा नियम बनाया है उन्होंने। मना कर देते ना, सबको मार देते। पूरा इकोसिस्टम आज मेरे अगेंस्ट खड़ा है, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन नक्सलियों को छोड़ूंगी नहीं इस बार। मिर्जा को ऐसा जवाब देना होगा कि साली दिल्ली सरकार की गोटियां काम जाए। 100 years of communism and 100 million debt. पूरे बस्तर में से आप कोई भी गांव सेलेक्ट करिए और चलिए मेरे साथ बिना सिक्योरिटी के, और देखते हैं वहां से जिंदा वापस कौन लौटता है, आप या मैं। गांव वाले डिसाइड करेंगे निर्दोष कौन है और गुनेगार कौन है। दम। जय हिंद।